हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज फिल्मी। दोस्तों, आप अक्सर मुझे बोलते हैं पुरानी डरावनी फिल्मों की लोकेशन बताने के लिए, तो आज हम जानेंगे बंद दरवाज़ा फिल्म की शूटिंग लोकेशन के बारे में। इस फिल्म की शूटिंग रामसेस ने मुंबई, थाने और महाबलेश्वर में की है। फिल्म के शुरू में नेवला के शॉट्स महाराष्ट्र महाबलेश्वर में दो जगह पंचगंगा मंदिर और कृष्णबाई मंदिर में शूट हुए हैं। रामसेस इन दोनों जगह अक्सर शूटिंग करते थे, लेकिन इस फिल्म में यहाँ की कुछ ज्यादा ही शूटिंग है। यहां तो लगता है बरसों से किसी परिंदे ने पर भी नहीं मारा। वो देखो, अगर वो मेरा वहम था तो फिर ये किताब कैसी? फिल्म में मंदिर के सीन मुंबई के फिल्म सिटी के मंदिर की लोकेशन पर शूट हुए हैं। यहां अनगिनत फिल्मों की शूटिंग हुई है। प्रताप और मौसी के सीन मुंबई जुहू में चित्रकूट विला में शूट हुए हैं। पूरी फिल्म में प्रताप के घर के ज्यादातर सीन इस विला में शूट हुए हैं, इसलिए इस फिल्म में इस विला की काफी शूटिंग है। जब से फिल्म झनक झनक पायल बाजे देखी है, तब से मेरे रोम रोम में पायल बज रही है। कामिया गलत रास्ते पे चल पड़ी है ठाकुर साहब। कामिया को शैतानों के चुंगल से निकालने के लिए हम उन गुफाओं में गए भी। चारों तरफ कोहरा फैल गया, हम अंधेरे में भटक गए। प्रताप की वीवी लाजो के बेडरूम के शॉट्स एसएल स्टूडियो में बेडरूम की एक शूटिंग लोकेशन के हैं। बेडरूम की इस लोकेशन पर रामसेस ने अपनी और भी फिल्मों की शूटिंग की है। लाजो का नेवला के पास आने के शॉट्स फिल्म में तहखाना नेवला का अड्डा दिखाया गया है, इसलिए फिल्म में यहाँ काफी शूटिंग हुई है। ये शॉट्स मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में गुफा के एक सेट पर शूट हुए हैं। गुफा के इस सेट पर भी रामसेस की बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई है। कामिया मेरी बच्ची कहाँ है तू? पता कामिया कहाँ है? कामिया को भूल जाओ। पता बता मेरी बच्ची कहाँ है? तू सिर्फ उसकी सिसकियाँ, उसकी पुकार सुन सकेगा। काली पहाड़ी की तरफ जाते हुए ये कार के शॉट्स चैना क्रीक के जंगल के रोड पर शूट हुए हैं, जो मुंबई के पास थाने में है। सपना जब कुमार के पास डरी हुई आती है, ये सीन मुंबई जुहू में नागी विला में शूट हुए हैं। फिल्म में आगे भी इस विला की काफी शूटिंग है। वो फिर आई है। कहाँ है वो? गाड़ी के पास। अरे मैं चला जाऊंगा यार। सिद्ध मत करो कुमार, रात को यहीं रुक जाओ। मैंने माजी को फोन तो कर ही दिया। हाँ। दुनिया का कोई भी तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो, हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। बुक पढ़ते हुए कुमार के ये शॉट्स वीना लेक के हैं, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। कामिया और कुमार के वाटरफॉल के शॉट्स महाबलेश्वर में धोबी वाटरफॉल पर शूट हुए हैं। नेवला के भानु पर हमला करने के शॉट्स जवाहर सौ मिल के हैं। जवाहर सोमिल के साथ रामसेस का रिश्ता काफी पुराना है। रामसेस की फिल्मों के लिए लकड़ी की सप्लाई यहीं से होती थी और अक्सर रामसेस इनकी मिल पर शूटिंग भी करते थे। रामसेस की कई फिल्मों के डायलॉग में उन्होंने जवाहर सोमिल का नाम भी लिया है। ये तमाम लकड़ियां जवाहर सोमिल में पहुंचा दो। अच्छा सर, पहुंचा दो। जवाहर सोमिल को पेमेंट पहुंचा दी? यस सर। सपना का पीछा करने के शॉट्स एसएल स्टूडियो में हवेली की लोकेशन के बाहर के शॉट्स हैं। ये गाना तू एक चिंगारी थी, इस गाने की शूटिंग तीन जगह पर हुई है। महाबलेश्वर में एलिफेंट्स हेड पॉइंट, महाबलेश्वर में धोबी वाटरफॉल पर और महाबलेश्वर के पंचगंगा मंदिर पर। सपना के गुंडों के साथ ये शॉट्स महाबलेश्वर में वीना लेक पर शूट हुए हैं।
उसके बाद कुमार जब सपना को बचाने आता है तो कुमार और गुंडों के ये फाइटिंग सीन्स जवाहर सौमिल पर शूट हुए हैं। नेवला को ले जाने के और कुमार का पीछा करने के ये शॉट्स चैना क्रीक के जंगलों में शूट हुए हैं। मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। अगर मैं मर गया तो तुम नेवला की मौत का राज कभी नहीं जान पाओगे। दोस्तों, आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आगे मैं और एक्साइटिंग वीडियोस लाने वाला हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।